दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कमाल की चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जो आपने पहले कभी बनते हुए नहीं देखे होंगे, और ये चीजें इतनी तेजी से बनती हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेदर बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों लेदर बॉल बनाने के लिए सबसे पहले लेदर के एक बड़े से टुकड़े से लेदर के छोटे छोटे टुकड़े को काट लिया जाता है। उसके बाद इन टुकड़ों की सिलाई की जाती है और फिर इन सिली हुई टुकड़ों को मशीन में रखकर गोल कर लिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को रंगा जाता है। रंगने के बाद टुकड़े के खराब साइज को मशीन से काट दिया जाता है और इस तरह से गेंद का एक टुकड़ा तैयार हो जाता है और फिर इन्हें मशीन से सिल दिया जाता है। इसके बाद लेदर के दोनों टुकड़ों को एक फ्रेम में रखकर उसमें गोंद डालकर उनके बीच एक पत्थरनुमा गेंद रखकर फ्रेम को बंद कर दिया जाता है, जिससे दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। और फिर गेंदों को बीच से सिलकर इनके ऊपर प्रेशर डालकर गेंद को बिल्कुल गोल कर लिया जाता है और अंत में कंपनी इस पे अपना मोहर लगाकर मार्केट में सप्लाई कर देती है। सोप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों साबुन बनाने के लिए सबसे पहले ग्लिसरीन और एसिड का मिश्रण तैयार कर लिया जाता है, और जैसे ही मिश्रण तैयार हो जाती है तो उसे इस चमत्कारी मशीन में डाल दिया जाता है और बाकी के साबुन बनाने का सारा काम ये मशीन अपने आप कर लेती है। ये मशीन डाली गई साबुन के रॉ मटेरियल से अपने आप ही नहाने का साबुन बनाते जाती है। शटल कोक मेकिंग मशीन। दोस्तों इस शटल कोक को बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले भारी मात्रा में हंस के पंख को खरीदती है और फिर इन पंखों को सेम साइज में कटिंग करने के लिए एक एक करके इस मशीन में लगाया जाता है, और ये मशीन इन सभी पंखों को कटिंग करके एक सेम साइज में कर देती है। और इसके बाद इस कोक के नीचे की गद्दी को बनाया जाता है और उसे एक मशीन में लगाया जाता है, जहाँ पे ये मशीन इस गद्दी में छेद करते जाती है। वहीं दूसरी मशीन हंस के पंखों को गद्दे में बने होल में डालते जाती है। इसके बाद इन सभी शटल कोक को दूसरी मशीन अपने अंदर सेट करके घुमाते हुए गद्दे और पंखों को गम से चिपकाते जाती है, और उसके बाद सभी शटल कोक को एक एक करके सिलाई कर दी जाती है। और अंत में शटल कोक तैयार हो जाने के बाद उसे मशीन में डालकर उसका बैलेंस चेक किया जाता है और फाइनली उसे डिब्बे में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। टूथब्रश मेकिंग मशीन। दोस्तों टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक मटेरियल को मशीन में डालकर प्लास्टिक का ब्रश फ्रेम बनाती है। ब्रश फ्रेम बनने के बाद ये मशीन ही ब्रश के होल में प्लास्टिक के बाल बड़े ही तेजी से लगाते जाती है। ये मशीन बड़ी ही सफाया से प्लास्टिक के हर बालों को ब्रश के होल में फिट कर देती है और फाइनली ब्रश बनकर रेडी हो जाता है। टेनिस बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बहुत ही कमाल की मशीन है। दोस्तों टेनिस बॉल बनाने के लिए सबसे पहले रबर के मटेरियल को इन मशीन में डाल दिया जाता है। उसके बाद ये मटेरियल एक पेस्ट के रूप में बनकर तैयार हो जाती है और फिर इन पेस्ट को छोटी छोटी टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर इन कटी हुई टुकड़ों को आधे बॉल के फ्रेम में डाल दिया जाता है। उसके बाद ये मशीन इस पर प्रेशर डालकर आधे गेंद का टुकड़ा तैयार कर देती है और फिर इन टुकड़ों को पॉलिश करके इसके किनारों को सीधा कर दिया जाता है। उसके बाद इन दोनों टुकड़ों पर हाइड्रोलिक प्रेशर डालकर गम की मदद से चिपका दिया जाता है, और लास्ट में इन गेंदों पर ग्रीन और रेड कलर के कपड़ों को चिपकाया जाता है, और इस तरीके से फाइनली टेनिस बॉल बनकर रेडी हो जाती है। स्पोर्ट्स शूज मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों कंपनी द्वारा स्पोर्ट्स शूज बनाने के लिए सबसे पहले जूते के ऊपर का जो कवर होता है उसे सिलाई मशीन से सिल कर तैयार किया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों शूज के ऊपर जो कुछ भी डिजाइन करना होता है वह भी सिलाई मशीन द्वारा ही सी कर चिपका दिया जाता है। उसके बाद डिजाइन किया गया जूते के ऊपर वाले कवर को बने हुए सोल के ऊपर रखकर मशीन द्वारा चिपका दिया जाता है, और फिर इन शूज में फीता डालकर फाइनली आपके लिए शूज तैयार कर दिया जाता है। मैच स्टिक्स मेकिंग मशीन। दोस्तों माचिस का तिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ी के एक छोटे से टुकड़ों को
मशीन पर डालकर उसकी पतली पतली परत को निकाल ली जाती है। फिर इन परतों को तिल्ली की छोटी छोटी साइज में काटकर माचिस की तिल्ली बना ली जाती है। इसके बाद मसाले का एक पेस्ट बनाकर सांचे में लगे हजारों तिल्लियों को इसमें डुबो दिया जाता है और फाइनली इसे सुखा करके माचिस के डिब्बों में भरकर आपके पास भेज दिया जाता है। ग्लास बोतल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, कांच का बोतल बनाने के लिए सबसे पहले कांच के रॉ मटेरियल को इस मशीन में डालकर पिघलाया जाता है। जब ग्लास का मटेरियल पूरी तरीके से पिघल जाता है तब इसे मशीन द्वारा छोटे छोटे बूंदों के रूप में गिराई जाती है और फिर इस मशीन के नीचे लगा हाइड्रोलिक आर्म इन बूंदों को अलग अलग जगह पर बांट देता है और फिर इस मटेरियल से बोतल बनाने का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में इन मटेरियल को कई फ्रेमों से होकर गुजरना पड़ता है और फाइनली इतनी लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद बोतल बनकर तैयार हो जाता है और फिर इनका टेस्टिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। पेंसिल मेकिंग मशीन। दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन में ग्रेफाइट और पानी के मिक्सर को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद ये मशीन इस मिक्सर को लीड्स के आकार में काटते जाती है और फिर इन लीड्स को सुखाया जाता है। अब बात आती है इस लीड्स को लकड़ी में डालने की, तो इसके लिए सबसे पहले लकड़ी को एक फ्रेम में काटा जाता है और फिर मशीन द्वारा कुछ इस तरीके से इस फ्रेम के ऊपर सांचे बना दिए जाते हैं ताकि इसमें लीड्स को रखा जा सके। इसके बाद इसके ऊपर एक और लकड़ी के फ्रेम को रखकर कंप्रेसर मशीन में डाल दिया जाता है ताकि ये दोनों लकड़ियां एक दूसरे से चिपक जाए और फिर इन लकड़ियों को पेंसिल में बदलने के लिए इस मशीन में डाल दिया जाता है। उसके बाद ये मशीन अलग अलग शेप में पेंसिलों को काटते जाती है और इस तरीके से इन पेंसिलों को तैयार किया जाता है। क्वाइंस मेकिंग मशीन। दोस्तों, सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन में सिक्के के रॉ मटेरियल को डाला जाता है। उसके बाद ये मशीन इन्हें पिघलाकर एक लंबी और मोटी मेटल ब्लेड बनाती है। इसके बाद मशीन इस ब्लेड से गोल क्वाइन का साइज काटते जाती है और फिर इन क्वाइंस को पॉलिश करके इनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और इसके बाद इन क्वाइंस पर जिस भी इंडियन रुपीज की मोहर लगानी होती है ये मशीन उस पर अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से छापती जाती है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के पास इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए। दोस्तों, ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।